इन आयाम जो यातायात प्रबंधन के होते हैं उसमें वर्णित किए गए हैं, आप उनको ध्यान से देखेंगे तो अगर आपको बस से यात्रा करनी है, मेट्रो से यात्रा करनी है, कहाँ पर टैक्सी सर्विसेज उपलब्ध होंगी, किस तरह से उपलब्ध होंगी, नई दिल्ली जो एरिया है, नई दिल्ली पुलिस डिस्ट्रिक्ट जो है उसमें किस तरह का जो यातायात का नियमन होगा उसके बारे में विस्तार से बताया गया है। नई दिल्ली पुलिस डिस्ट्रिक्ट को कंट्रोल जोन घोषित किया गया है और जहां पर इवेंट होगा, जहां पर ज्यादातर जो हेड ऑफ द स्टेट्स और गवर्नमेंट्स हैं वो वहां पर रुकेंगे, तो वेन्यू के हिसाब से, होटल्स के हिसाब से, एयरपोर्ट के हिसाब से जो इंतजाम किए गए हैं वो यातायात निर्देशिका में बता दिए गए हैं, वो आप ध्यान से देख लें। आम बिल्कुल आ लोगों के सकते लिए हैं हमने आप। जो यातायात का के प्रबंधन के जो मुख्य बिंदु हमने ध्यान रखे हैं, रेलवे सर्विसेज सुचारू रूप से चलेंगी, मेट्रो सर्विसेज पूरी दिल्ली में चलेंगी, नई दिल्ली पुलिस डिस्ट्रिक्ट में जो कुछ रेगुलेशंस रहेंगी टैक्सीज और टीएसआरस की उनको नियंत्रित किया जाएगा, बस सर्विसेज रिंग रोड के परे जो हैं सभी बस सर्विसेज चलेंगी, इंटरस्टेट बस सर्विसेज चलेंगी, उनके टर्मिनेशन पॉइंट्स कहाँ पर होंगे, नई दिल्ली पुलिस डिस्ट्रिक्ट के अंदर बस सेवाएं प्रभावित रहेंगी, तो जो उनके बॉर्डर पर जहां जहां पर जो बस सेवाओं के टर्मिनेशन पॉइंट्स भी यातायात निर्देशिका में दिए गए हैं और उनका जो उद्देश्य है वो इस तरह से है कि जहां पर सिटी बस सर्विस टर्मिनेट होंगी तो साथ के साथ मेट्रो स्टेशंस के पॉइंट्स और सेवाएं वहां पर उपलब्ध हैं जिससे आप नई दिल्ली जिले के अंदर मेट्रो सेवाओं का उपयोग कर सकते हैं।